नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीवन टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में। या दोस्तों, अगर आपका सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो जाता है तो आप उसे किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या क्या ख़राबी आती है और आपको कौन सी खराबी में क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जैसा क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह मेरा सोल्डरिंग आयरन है। अब मैं आपको दोस्तों बताऊँगा कि इसमें क्या क्या ख़राबी आती है और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर इसकी जो ख़राबी आती है वह इसमें जो पावर सप्लाई होती है वह नहीं जाती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपना सोल्डरिंग आयरन को ओपन करना है, इसको खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन खोल लिया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या चेक करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो आपके जो वायर हैं वह ठीक से कनेक्ट हैं या नहीं है। आपको यह चेक करना है कि हमारे जो वायर लगे हैं वह ठीक से कनेक्ट हैं या कोई कंपोनेंट तो यहाँ से शॉर्ट नहीं हो गया है। तो आपको यह चेक करना है, अगर आपका यहाँ से सब कुछ वायर लगा है, ठीक है लगा है वायर और आपके कंपोनेंट भी ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह वायर है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लग लगा रहता है, ऐसा प्लग लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों ऐसा प्लग लगा हुआ मिलेगा अपने सोल्डरिंग आयरन में। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ से हमारा कोई वायर तो शॉर्ट नहीं हो गया। यहाँ से दोस्तों ऑटोमेटिकली वायर यहाँ से कट हो जाता है, तो आपके जो सोल्डरिंग आयरन होता है आपका उसमें पावर सप्लाई नहीं जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं होता है। तो आपको यहाँ से इसको ये वाले वायर को कट कर लेना है और कट करने के बाद में आपको क्या करना है, यह जो वायर है यह वायर आप देख सकते हैं इसको अपने बोर्ड में लगाना है और बोर्ड में लगाने के बाद में आपको देखना है सोल्डरिंग आयरन में आपके पावर सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, इसकी लाइट है वह जल रही है नहीं जल रही है और आपका सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको दोस्तों इस प्रकार से चेक करना है। अगर आपका सोल्डरिंग आयरन फिर भी नहीं गर्म हो रहा है तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, सिंपली आपको ये वाला जो डोरी है इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से जो इसके वायर कनेक्ट है इसको दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को वायर को निकाल देना है। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार की आपको डोरी लेनी है और इस प्रकार की डोरी लेने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे एक वायर कनेक्ट थे पहले उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो आप अगर अलग प्रकार से अगर कनेक्ट करेंगे तो यह गर्म नहीं होगा। तो आपका जो पहला खराबी था सोल्डरिंग आयरन का गर्म नहीं हो रहा था, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको दोस्तों दूसरे नंबर पर इसमें क्या ख़राबी देखने के लिए मिलेगी कि जो इसका जो लाइट होता है वह जलता है और यह जो आपका सोल्डरिंग आयरन है वह गर्म नहीं होता है। तो इसका भी जो प्रोसेस होता है गर्म ना होने का, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यह गर्म क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो एलिमेंट लगा हुआ होता है, तो अगर यह ख़राब हो जाएगा तो आपका सोल्डरिंग आयरन है वह ठीक नहीं होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे पास में यह काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो ख़राब हो गए। और दोस्तों यह ख़राब क्यों होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। यह दोस्तों ख़राब इसलिए हो जाते हैं कि अगर आप अपने सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर तक गर्म करते रहते हैं तो यह ख़राब हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि अपने सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर तक लगे नहीं रहने देना है और जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप इनका यूज़ करें और सोल्डरिंग आयरन को बंद कर दें। तो आपको क्या करना होगा,
इसे ठीक करने के लिए, अगर गर्म नहीं हो रहा है आपका सोल्डरिंग आयरन और लाइट आ रही है, सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसा आप देख सकते हैं यह जो एलिमेंट है, आप देख सकते हैं यह जो एलिमेंट है, आपको मार्केट से ये एलिमेंट लेके आना है, और यह 10-15 रुपए का मिल जाएगा, मेरे को यह 10 रुपए का मिला था। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको एलिमेंट लेके आना है मार्केट से, और मार्केट से लेके आने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, यह आप वायर देख रहे हैं, यह वायर, तो आपको इन दोनों वायर को हटा देना है, ठीक है, और इन सब कंपोनेंट को आपको निकाल लेना है, और आपको क्या करना होगा, यह जितने भी कंपोनेंट हैं आपको, यह जो ट्रांजिस्टर है इसको छोड़कर, देख सकते हैं आप ये जो ट्रांजिस्टर है इसको छोड़कर आपको सारे कंपोनेंट निकाल लेने हैं। तो आपको सारे कंपोनेंट निकालने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना होगा, यह जो आप देख सकते हैं यह जो कंपोनेंट है यह सब निकालने के बाद में आपको दोस्तों इसमें कनेक्ट कर देना है, जैसा इसमें कनेक्ट है वैसे ही आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। तो आपको दोस्तों क्या होगा कि आपका सोल्डरिंग आयरन है वह गर्म होने लगेगा फिर से, और इसमें दोस्तों कोई भी ख़राबी नहीं आएगी, और जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन पहले गर्म होता था वैसे ही गर्म होने लगेगा आपका सोल्डरिंग आयरन। और दोस्तों यह काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मेरा भी सोल्डरिंग आयरन दोस्तों ख़राब हो गया था, तो मैं इसे लेके आया था, तो मैंने इसमें लगाया है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आपको इसको लगाना नहीं आता है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, तो मैंने इसका भी वीडियो वहाँ पे डाल दिया कि आपको इसको कनेक्ट किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर, कुछ नई ट्रिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।